तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है घर से, ना के कश्मीर से। इसकी भी एक लेजेंड वजह है। तो यार मेरे साथ हो गया एक छोटा सा हाथ, तो ये मेरे साथ आज नहीं हुआ, बहुत पहले हुआ था जब मैं कश्मीर से निकल रहा था। तो यार जब मैंने सारे ब्लॉग्स बना लिए थे, सारे तो नहीं, जब तक मैंने अपने जो लास्ट अपलोड किया अब तक ब्लॉग्स बना लिए थे, तो वो ब्लॉग्स वहां तक वीडियोस मैंने सारी दूसरे कार्ड में करवा ली थी कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद जो जितना भी डाटा था वो मैंने दूसरे किसी चीज में उसको कन्वर्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे हो गया मेरे साथ एक हाथ। तो जैसे ही मैं कश्मीर से निकलता हूँ, मैं रस्ते में होता हूँ, तो मेरा कार्ड नहीं चल रहा है, मेरा कार्ड कैमरा उठा रहा नहीं है, तो उसमें आ गया वायरस और डाटा सारा हो गया डिलीट। तो मत पूछे मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्या बताऊं। क्या था, अगले दिन आपके भाई ने किया अपने भाई को फोन, तो मैंने भाई को फोन किया, तो जैसे कि मैं अपने कैमरे से वीडियोस बना रहा था वैसे वैसे भाई भी अपने मोबाइल से वीडियोस बना रहा था। तो मैंने भाई को फोन किया कि उसने वीडियोस बनाई थी तो वो उसके पास पड़ी हैं, तो उसने बोला हाँ भाई मेरे पास पड़ी है, मेरे दोस्त के पास भी पड़ी है क्योंकि उसका दोस्त भी साथ था। तो उसने सारी वो वीडियोस मुझे की व्हाट्सएप, तो मैंने उन सबको कंपाइल करके एडिट कर लिया। तो जैसे कि मैं आप लोगों से वादा किया था कि जहां जहां मैं घूमूंगा कश्मीर पे, जैसे जैसे मैं इंजॉय करूंगा तो आप लोग को भी इंजॉय करूंगा, तो मुझे इस जर्नी का पार्ट 4 लाजमी लाना था। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे बैठ के इस जर्नी का पार्ट 4 एंजॉय करते हैं और चलो। आज है मेरा कश्मीर में डे 3 और इस सीरीज का पार्ट 4। तो कह सकते हैं आज जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वो मेरी सबसे फेवरेट जगह है और मैंने ज़िंदगी में पहली बार बर्फ़ को इतने करीब से देखा है। मज़े की बात ये नहीं है कि मैंने बर्फ़ को बहुत करीब से देखा है, मज़े की बात तो ये है कि इस एहसास को मैंने बहुत करीब से जाना है कि कैसा लगता है जब आप इतनी खूबसूरत चीज़ को बहुत करीब से देखते हो। और हाँ, मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि मंजिल जितनी ज़्यादा खूबसूरत हो, रास्ते उतने मुश्किल और लंबे क्यों होते हैं, ताकि हमें ये एहसास हो सके कि खूबसूरत मंजिल को पाने के लिए मुश्किल रास्तों का इंतखाब करना ज़रूरी है। कश्मीर में आके मैंने सिर्फ खूबसूरती और खुदा की कुदरत नहीं देखी है, इस चीज़ को भी देखा है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, हर उस खूबसूरत चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है जिसका एहसास बहुत ही कमाल का होता है। तो आज जिस मैं खूबसूरत जगह पे आया हूँ उस जगह का नाम है पीर चनासी। अगर पीर चनासी की बात की जाए तो यह है सैयद हुसैन शाह बुखारी का मज़ार, जो कि 9500 फीट की बुलंदी पे बना हुआ है, बिल्कुल माउंटेन की टॉप के ऊपर। शायद मैं इस जगह की खूबसूरती के बारे में ज़्यादा ना बोल सकूँ क्योंकि इस जगह की खूबसूरती मेरी सोच से भी ज़्यादा कई गुना है। बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ और यहाँ से नज़ारा बहुत कमाल का आता है।